80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और न ही VFX। बावजूद इन सब के, सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। साल 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर देश के पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण किया गया था। रामानंद सागर के निर्देशन में बने इस टीवी सीरियल ने काफी लोगों के दिलों को जीत लिया था। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को लोग सच में राम सीता मानने लगे थे। रामायण का क्रेज ऐसा चढ़ा कि लोग टीवी पर ही इनको देखकर राम सीता की आरती उतारने लगते थे। देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपने घरों तो पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ज्यादा ख्याति प्राप्त की, उतनी लोकप्रियता अन्य किसी धार्मिक शो को शायद ही कभी मिली हो। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता है कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने इसे पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें माता सीता को कट स्लीव्स पहने हुए दिखाया गया था, साथ ही उन्होंने कुछ और भी बदलाव का जिक्र किया। इसके बाद रामानंद सागर ने दूसरा एपिसोड बनाया और उसे दिखाया गया, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा सैंपल एपिसोड बनाया गया और वो भी रिजेक्ट हो गया था। देश में पहली बार कोई धार्मिक सीरियल बनाया जा रहा था जिसका प्रसारण नेशनल टीवी पर होना था, इसीलिए इसको चेक करना बहुत ही जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस गए थे, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस टीवी सीरियल ने इतिहास रच दिया। रामानंद सागर की रामायण से और भी ज्यादा दिलचस्प इसके शूटिंग के दिनों के किस्से हैं। उन्हें शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे हो, क्योंकि मुंबई में ये शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। साथ ही रामायण में काफी किरदार भी शामिल थे। शूटिंग लोकेशन को लेकर रामानंद सागर और भी ज्यादा परेशान हुए। ऐसे में हरिभाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें बेहतरीन जगह का नाम बताया, जो कि गुजरात में थी। हरिभाई ने रामानंद सागर को उमरगांव के बारे में बताया, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें वो जगह पसंद आई, फिर वहीं पर शूटिंग शुरू कर दी गई। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोगों का खूब प्यार मिला। उनको राम के किरदार में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। लोग उन्हें सच में भगवान राम समझकर उनके पैरों में गिर पड़ते थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अरुण गोविल को पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में इनकी प्यारी सी मुस्कान को देखकर इन्हें ये रोल दे दिया गया, जिसे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। रामायण की शूटिंग से जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन किस्सा है, जो कि अरुण गोविल से जुड़ा हुआ है। राम के रोल में जब उन्हें भरत के द्वारा सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तब अरुण गोविल काफी दुविधा में पड़ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इस परिस्थितियों में कैसा एक्सप्रेशन दें, क्योंकि वे भगवान हैं और भगवान रो नहीं सकते और उदासी का भाव लाने नहीं देना था। तब ये सीन उनके लिए रामायण का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीन बन गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बहुत ही आराम से कर लिया। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीरियल के निर्माण के पीछे देवी शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वे खुद भी रहे। वहीं बाल स्वरूप भगवान राम और काकभूषणी वाले सीन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उन्होंने साझा किया। प्रेम सागर ने बताया कि काकभूषणी बालक राम की परीक्षा लेने आते हैं। इस कहानी से सभी परिचित है। कौवे वाले सीन को फिल्माना बहुत ही कठिन था। एक तरफ एक नन्ना बालक और दूसरी तरफ कौवा, आखिर कैसे शूटिंग हो। सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से एक कौवा पकड़ा गया और सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ, तब रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। बकुल प्रेम सागर पापा जी को देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने पूरा सीन कौवे को समझा दिया हो। 10 मिनट का वो सीन था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक मजा हुआ एक्टर जैसे काम करता है, वैसा ही काम कौवे ने किया। पापा जी कहते बच्चे को देखो तो कौवा तुरंत देखता, रोटी लो तो रोटी लेता, बच्चे के साथ इस तरह से खेलता मानो पालतू हो। 10 मिनट तक जैसे काकभूषणी जी स्वयं शॉट दे रहे हो। कैमरा और लाइट ऑफ होते ही कौवा उड़कर चला गया। रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्होंने हनुमान जी के रोल को पर्दे पर एकदम जीवंत बना दिया।
लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे, इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर ने काफी जिद की तो उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कर दिया। दारा सिंह ने हनुमान जी के इस रोल को करने के लिए अपनी श्रद्धा से चिकन मटन न खाने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक वे शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक वे चिकन मटन नहीं खाएंगे। हनुमान जी के किरदार में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दारा सिंह को ही मिली है। इस रोल में उन्हें हनुमान जी बनने के लिए 4 घंटे का समय लगता था। रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर साल 1987 और 88 के बीच हुआ था। इस टीवी सीरियल को कुल 78 एपिसोड में बनाया गया था। उन दिनों इसकी शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि सूरत के एक गांव में हो रही थी। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया था। सुनील लहरी के अनुसार जब रामायण की शूटिंग शुरू हो जाती थी तो कई सारे एक्टर्स पानी तक पीना छोड़ देते थे। वे 5-6 घंटे तक पानी नहीं पीते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जितनी फैसिलिटी नहीं थी, सेट पर वॉशरूम की काफी दिक्कत थी जिसकी वजह से लोग पानी नहीं पीते थे। अगर पानी पियेंगे तो वॉशरूम जाना होगा और वहाँ गाँव में ऐसी सुविधा नहीं थी, इसलिए शूटिंग के समय लोग पानी तक पीना छोड़ देते थे। रामायण में सीता जी का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर चीज को परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए होती थी, इसीलिए वे रात के 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे। साथ ही रामायण का पहला एपिसोड शूट होने में 15 दिन का समय लगा था, इसलिए दीपिका 27 दिन तक सेट पर ही रहा करती थी। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि रामायण की शूटिंग के समय दीपिका की उम्र महज 15 साल की थी, और जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीता का रोल करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी। वहीं रामायण की शूटिंग के समय लोग कई दिनों तक अपने घर पर बात तक नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहरी ने कहा था कि उन दिनों हम शहर से काफी दूरी पर शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार के फोन बूथ का इंतजाम नहीं था। वहां से कुछ दूरी पर एक टेलीफोन था, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे। वैसे तो रामायण की शूटिंग के दिनों के काफी किस्से चर्चित थे। इनमें से एक सबसे अहम किस्सा रामायण में सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर काफी परेशान थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन एक्टर नहीं मिल रहा था। इसी परेशानी में वे एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए तो सुबह गजब का चमत्कार हुआ। अगले दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनालिटी का पहलवान आया, जिसे तुरंत सुग्रीव का रोल दे दिया गया। रामायण में सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर ने निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। जब बात सभी किरदारों की हो रही है तो भला केकई के किरदार को कैसे भुलाया जा सकता है। रामायण में केकई का किरदार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे पद्मा खन्ना नाम की अभिनेत्री ने निभाया था। रामायण के एक सीन में जब केकई कोप भवन में जाती है तो वहां पर उन्हें रोता हुआ दिखाया जाता है। लोग बताते हैं कि पद्मा खन्ना इस रोल में इस कदर रम चुकी थी कि वे कट बोले जाने के बावजूद कई घंटों तक रोती रही। इस सीन को देखकर रामानंद सागर भी काफी भावुक हो गए थे, जिससे उनके भी आंसू आ गए थे। ऐसा ही एक किस्सा रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी से भी जुड़ा है। इस सीरियल में अरविंद जी ने रावण का जो किरदार निभाया है, इतना बेहतरीन किरदार आज तक कोई भी नहीं निभा पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद जी रावण नहीं बल्कि केवट के ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें चलते हुए देखा तो उन्होंने कहा, मुझे मेरा रावण मिल गया, और अरविंद जी को रावण के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने रावण का वो किरदार निभाया जिसे आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।